तो उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा जिम जाना कितना सफल है। अरे वाह, स्टार्ट, चलो चलते हैं और थोड़ी मज़े लेते हैं इसके भी। थोड़ी बस यार इसका मीटर शेल हल्का सा ज़रा हो गया था, कुछ टूट गया। अंकल जी चढ़ा दो, आ जा आ जा, चढ़ जा वैन पे। इनको ज़्यादा ही जल्दी हुई रहती है पुलिस वालों को, इनको लगता है इनके पिताजी की रोड है खरीद रखी। अपनी फेवरेट लोकेशन में जो कि है ये पार्किंग। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल, और मैं हूँ आपके साथ प्रखर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस व्लॉग में हम जो करने वाले हैं वो है थोड़ी मस्ती, और आज का व्लॉग बस फन व्लॉग होने वाला है, कोई सीरियस व्लॉग नहीं है। तो आज के व्लॉग में मैं लाया हूँ एक स्कूटर जो कि आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा। ये है हमारा कम से कम 25 साल पुराना स्कूटर, और ये मेरे फ्रेंड का है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर कुछ वीडियो बनाई जाए और कुछ मज़ेदार चीज़ें करी जाए। तो आ जाओ उसके बारे में बताते हैं आपको कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो यार ये है वो 25 साल पुराना स्कूटर, और ये पियाजियो और एलएमएल ने कोलैब करके स्कूटर को बनाया था, और 2004 के आसपास इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। ये स्कूटर हमें देता है 8 की हॉर्स पावर और 11 से 12 का एनएम टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। बाकी ये भी आता है 2 स्ट्रोक और 4 गियर के साथ। बाकी इसमें जैसे कि आप देख सकते हो ये साइड स्टैंड आता नहीं था, तो हमने ये लगवा दिया था इसमें साइड स्टैंड। बाकी इसकी एक और ख़ास बात है, ये है 150 cc में आता है, तो मतलब ठीक ठाक ही पावर है इसमें भी। बाकी आपको बैकग्राउंड में दिख रही होगी हमारी स्कूटी, उसको भी दिखाते हैं। तो ये है हमारी प्लेजर जो कि हमने मॉडिफाई कराई है, आप तो उससे फैमिलियर होंगे या आपने देखी होगी हमारे और ब्लॉग्स में भी। तो बस यार आज हम इन दोनों को अब मार्केट लेके जाने वाले हैं, और थोड़ी ड्रैग रेस भी मारेंगे। उसके बाद थोड़ी देखते हैं कि पब्लिक रिएक्शन नोट करते हैं मार्केट में कैसे कैसे रहते हैं। अब जितने आएंगे भाई देख लेंगे, वैसे भी सिर्फ फ़न के लिए ही है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ उसके कॉकपिट में, सो लेट्स गो। तो ये हम कॉकपिट में आ चुके हैं और करेंगे हम इसको। ओह हो, इस बात नहीं हुआ था। चलो रिएक्शन जरूर आ रहे हैं भाई। तो भाई
भाई अब पकाते हैं रोटी देखते हैं। ये है भाई 150 बच्चे 150। अब आया ना मज़ा। ओ भाई तगड़ा ही भाग रहे हैं। और यार इसका मीटर ये है, इसकी हालत इस तरीके से इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे खड़ा ही रहा, तो मतलब उसके बाद हम इसको आज ही स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे बच्चों ने पूरा तोड़ वोड़ दिया था, तो उस चक्कर में इसके हाल ऐसे हैं। अरे बार इसकी ब्रेकिंग्स की तो इसमें आते हैं हमारी ट्विच चैनल ड्रम ब्रेक काफी टाइप की ब्रेकिंग देते हैं। यार काफ़ी मज़ा आया, होप कर तो आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। अब चलते हैं नीचे और अब मारेंगे ड्रैग रेस। अब इसको मैं पकड़ाऊँगा इसके ओनर के पास और हम चलाएंगे अपनी स्कूटी, अब देखते हैं कि कितना कितना भागती है। भाई मेरे हिसाब से ये वाली लोकेशन सबसे सही रहेगी ड्रैग की शुरुआत करने के लिए, तो बस देखते हैं कि कैसा कैसा सीन रहता है। तो अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट सीधा ड्रैग रेस वाली पोजीशन पर। तो बस यार ये हमने ट्रैक के लिए खड़ी कर दी है और मैं अब स्कूटी चलाने वाला हूँ और मेरा फ्रेंड जो राहुल है वो अपना स्कूटर चलाएगा, तो देखते हैं कि कैसा कैसा सीन रहता है। तो बस अब करते हैं शुरू। तो बस यार ये हम रेडी हैं और ये स्कूटर भी रेडी हो रहा है वो। तो बस 3 ऑन पे, ठीक है। भाई देखते हैं कि कौन जीतता है। वैसे तो स्कूटर हरा ही देगा इसे, पर अभी लगता है ब्लॉक खराब हो गया भाई का, पर नहीं तो ब्लॉक होगा है ना। लोडी लॉन्च कराओ, चलिए आज यहीं से करते हैं वापस। आज यहीं से आ जा। भाई पहले हम स्कूटर में इधर ड्रैग मारा करते थे, अब स्कूटर में मार रहे हैं। ओ भाई यार इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं शायद से कार मोटर में कचरा आ चुका है तो ये लैग मार रही है, मिसिंग दे रही है बार बार। और कभी जरूर जल्दी ट्रीटमेंट करवाएंगे आपको, जल्दी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से फिर वापस ड्रैग मारेंगे, लगता है कुछ गियर फंस गए थे।
तो देखते हैं अब हम स्कूटर चलाते हैं और अब देखते हैं कि कैसा सीन रहेगा। बाइक खींचा तो वैसे तो सही खींच गया था, पहले गियर में हल्का पीछे बैक मारा है, पता नहीं कैसे। चला जा वापस, एक और जल्द चलते चलते। तो बस यार इस तरीके से था कुछ आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको भी इन्जॉय, मतलब आपको भी मज़ा आया होगा। तो अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।